स्वतंत्रता दिवस पर मैं अभिसार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अजीबोगरीब विडंबना है ना कि 72 साल बाद भी यह स्वतंत्रता हमें अधूरी लगती है, और पिछले 5 सालों में तो सवाल यह किया जाने लगा है कि वो तमाम संस्थाएं जिन्हें हमें आश्वस्त करना चाहिए हमारी स्वतंत्रता को लेकर, वही गुलाम बनी हुई हैं, उन्हीं में डर पसरा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं मीडिया की, मैं बात कर रहा हूं फिल्मकारों की, मैं बात कर रहा हूं सरकारी संस्थाओं की, मैं बात कर रहा हूं बिजनेस हाउसेस की। और आज भारत के 72वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं अभिसार शर्मा आपके सामने एक ऐलान करने जा रहा हूं, एक मांग करने जा रहा हूं कि मीडिया को डर से दिलाओ आजादी। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। इस पूरे खेल को समझने के लिए आपको इस घटनाक्रम पर निगाह डालनी होगी जो पिछले एक हफ्ते की है। इस तारीख पर गौर कीजिए, 9 अगस्त, कश्मीर का सौरा इलाका। अब हम आपको एक फुटेज दिखाने वाले हैं, यह फुटेज है बीबीसी का। दोस्तों, जैसे ही यह फुटेज सार्वजनिक हुई और इस फुटेज के जरिए यह तस्वीर सामने उभर कर आई कि कश्मीर के सौरा इलाके में न सिर्फ टकराव हुआ बल्कि गोलियां भी चली, तो सरकार अचानक आक्रामक मुद्रा में आ गई। सरकार ने तुरंत अपनी तरफ से यह प्रतिक्रिया जाहिर की, और प्रतिक्रिया क्या थी? अ न्यूज रिपोर्ट ओरिजिनली पब्लिश्ड इन रॉयटर्स एंड अपीयर्ड इन डॉन क्लेम्स देयर वाज अ प्रोटेस्ट इन्वॉल्विंग 10,000 पीपल इन श्रीनगर। दिस इज कंप्लीटली फैब्रिकेटेड एंड इनकरेक्ट। There have been a few stray protests in Srinagar, Baramulla, and none involved a crowd of more than 20 people. यानी कि बीबीसी के इस फुटेज को सिरे से खारिज होम मिनिस्ट्री ने कर दिया, और उसके बाद शुरू हुआ एक प्रोपेगेंडा। निगाह डालिए कि टाइम्स नाउ ने आखिर अपने चैनल पर क्या चलाया। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के टाइम्स नाउ ने अपने चैनल पर यह प्रोपेगेंडा चलाया, इंडिया रिजेक्ट्स प्रोपेगेंडा। ओवर द लास्ट फ्यू डेज देयर हैव बीन अ सस्टेन अटैक ऑन द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द डिसीजन टू रिवोक आर्टिकल 370। द ट्रबल इज दैट सम ऑफ दीज अटैक्स अपीयर टू बी मोटिवेटेड एंड मिसलीडिंग। शॉकिंग कमेंट्स रेंजिंग फ्रॉम द कम्युनल टू द पेटेंटली फेक हैव बीन मेड बाय सम ऑपोजिशन पार्टीज, वेरियस ऑर्गन्स ऑफ पाकिस्तान स्टेट एंड सम इवन कॉमेंटेटर्स नोटेबली इन द फॉरन मीडिया। टाइम्स नाउ will over the next few days carry out extensive fact checks to separate truth from fiction. तो आपने देखा किस तरह से टाइम्स नाउ ने यहां पर पाकिस्तानी एंगल जोड़ दिया। यानी कि जो लोग इस तरह का फुटेज चला रहे थे या जो लोग सरकार से सवाल कर रहे थे, उन्हें जोड़ दिया गया पाकिस्तान के साथ, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो बीबीसी जैसा मीडिया हो। बात यहां नहीं रुकी दोस्तों, इसी ग्रुप के इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी तरफ से यह खबर चलाई आपके फुल स्क्रीन पर, जिसमें बाकायदा इन्वर्टेड कॉमर्स में बताया गया कि यह खबर जो है फैब्रिकेटेड है। यानी कि पहले से ही आपकी एक सोच बन गई और यह प्रोपेगेंडा चलाया। तो इसके बाद क्या था, तमाम जितने भी छुटभैया पत्रकार थे वो मैदान में उतर कर आ गए सरकार की नौकरी करने, जिसमें उन्होंने बीबीसी पर हमला बोलना शुरू कर दिया। ये बोलना शुरू कर दिया कि अब हम बीबीसी पर ध्यान नहीं देंगे, अब हम बीबीसी को बॉयकॉट करेंगे, फलाना ढिमकाना। मगर अचानक क्या होता है, होम मिनिस्ट्री का एक बयान एक बार फिर आता है और ये पूरा प्रोपेगेंडा धराशायी हो जाता है। अब वो बयान आपके सामने है। स्टोरी इन मीडिया ऑन अ सेड इंसिडेंट इन सौरा रीजन ऑफ श्रीनगर ऑन 9/8 यानी कि 9 अगस्त को मिसक्रिएंट्स मिंगल्ड विद पीपल रिटर्निंग होम आफ्टर प्रेयर्स एट ए लोकल मॉस्क। They resorted to unprovoked stone pelting against law enforcement forces to cause widespread unrest. यानी कि आखिरकार होम मिनिस्ट्री ये मान लेता है कि सौरा में पथराव हुआ था, सरकार को यू टर्न करना पड़ता है। मगर आगे वो क्या कहता है आप सुनिए।
वो कहते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी शुड रिस्ट्रेंट एंड ट्राई टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. इट इज रिएटरेटेड नो बुलेट्स हैव बीन फायर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर सिंस द डेवलपमेंट रिलेटेड टू आर्टिकल 370. उन्होंने कहा कि गोलियां नहीं चली. हम उस फुटेज से इस हिस्से को आपके सामने फिर रखना चाहेंगे. आप फैसला कीजिए कि गोलियां चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, और अगर नहीं चल रही हैं तो ये लोग जमीन पर क्यों लेटे हुए हैं. देखिए, यही नहीं, सरकार के पक्ष में झूठ को प्रसारित करने के लिए कई एजेंसी सामने उभर कर आती हैं, जिसमें ANI और इंडिया टीवी यह दावा करती हैं कि जम्मू का एक जो मस्जिद है जिसका नाम मक्का मस्जिद है, उसे उन्होंने श्रीनगर का मस्जिद बता दिया, और यह अभी तक ट्वीट्स बने हुए हैं, इसे डिलीट नहीं किया गया है. सवाल मैं यहां पर यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सब देशभक्ति के चलते हुआ है? क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों कि अगर तो देशभक्ति के चलते ये लोग झूठ बोल रहे हैं तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरा देशभक्ति या मेरी देशभक्ति मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाता है. मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं. वाजपेयी जी की सरकार थी और उस दौरान कश्मीर में चुनाव हुए थे. क्या आप जानते हैं कि उस वक्त मैं BBC में था और आपको इजाजत थी कि आप कश्मीर के किसी भी कोने में चले जाइए. वाजपेयी सरकार ने पूरी पारदर्शिता अख्तियार की हुई थी. क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं वो दुनिया के सामने आए. इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हुए और पाकिस्तान की नाक कट गई दोस्तों. क्यों? क्योंकि वाजपेयी सरकार ने मीडिया पर अंकुश नहीं लगाया. और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इतिहास हमें कोई सबक देता है तो यह सबक देता है कि हम हकीकत को जितना छुपाएंगे, हकीकत उतने ही उग्र और ताकतवर होके सामने उभर कर आएगी. आप नहीं छुपा सकते हकीकत को. मगर सवाल यह दोस्तों कि क्या गुलाम और डरी हुई मीडिया का प्रोपेगेंडा बंद हुआ? सरकार मान चुकी है कि सौरा में गोलियां चली थी. सरकार मान चुकी है कि BBC का फुटेज झूठा नहीं था, मगर BJP के सांसद राजीव चंद्रशेखर की मदद से शुरू होने वाले रिपब्लिक, जो कि इस सरकार का भोंपू है, सरकार का पिछलग्गू है, बाज नहीं आया. उसी शाम जब सरकार ने अपनी गलती मानी और यू टर्न लिया, उसी शाम रिपब्लिक ये प्रोपेगेंडा अपने चैनल पर चलाता है. इंडिया वर्सेस फेक न्यूज. इंडिया यूनाइट्स अगेंस्ट फेक न्यूज पेडलर्स. ज्वाइन द कैंपेन एंड ट्वीट यूजिंग द हैशटैग. दोस्तों, सबसे बड़ी विडंबना यह कि इस कार्यक्रम में इस महिला को बुलाया जाता है जिनका नाम है मधु किश्वर. अगर आप फेक न्यूज पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं तो कम से कम इस महिला को ना बुलाएं, क्योंकि ये अपने ट्विटर हैंडल से इतने झूठ का प्रसारण करती हैं, इतना झूठ प्रसारित करती हैं जिसका कोई सानी नहीं, और ये कई बार एक्सपोज हो चुकी हैं, कई बार एक्सपोज हो चुकी हैं. आगे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, वो क्या कहते हैं? लेट द BBC से द वीडियो इज ऑथेंटिक बट दे आर नॉट कमिंग आउट विद दैट स्टेटमेंट. सुधांशु जो कहते हैं कि बीबीसी कहे कि जो वीडियो है वो सही है, मगर माननीय त्रिवेदी जी, आपकी सरकार कह चुकी है कि वहां पर टकराव हुआ था, तो आप क्या कह रहे हैं? और गोल पोस्ट लगातार बदलते रहना. मेजर गौरव आर्या, जी हां, ये सज्जन अक्सर इस चैनल पर दिखाई देते हैं, इस पिछलग्गू चैनल पर, ये कहते हैं कि साहब जो गोलियां चली हैं वो उसकी आवाज जो है वो बाद में ऐड की गई होगी. तो ये जो लोग इस फुटेज में नीचे जमीन पर लेट रहे हैं गोलियों की आवाज सुनकर, क्या ये भी सब ड्रामा था? बताइए. और अब तो बीबीसी कह चुका है ना कि हम रॉ फुटेज देने को तैयार हैं. अगर वो गलत साबित होंगे तो ये लोग क्या करेंगे? क्या आप अपने गले में एक तख्ती लगाकर बैठेंगे अपने चैनल पर कि आप झूठे हैं, कि आप गलत बयानी कर रहे थे? बताइए. दोस्तों, दिक्कत क्या हो गई है? आज हम स्वतंत्रता दिवस पर मीडिया के आजादी की बात कर रहे हैं. यह डर कई स्तरों पर काम करता है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है. सबसे पहले इन लोगों पर गौर कीजिए. नृपेन मिश्रा प्रधानमंत्री कार्यालय में अधिकारी हैं.
इनका सीधा संपर्क होता है मीडिया के बड़े प्रोपराइटर्स और संपादकों से, दबाव यहां से आता है। इसके बाद इस शख्स पर गौर कीजिए, अनिल बलूनी। यह बीजेपी में राज्यसभा सांसद, अक्सर संपादकों के साथ इनका सीधा संपर्क रहता है। पीयूष गोयल साहब, इनकी भी खासी दिलचस्पी है। और इसके अलावा एक और पूर्व मंत्री जिनका जिनके बारे में कहा जाता था कि वो ब्यूरो चीफ हैं, इनका लगातार संपर्क राबता कायम रहता है संपादकों के साथ। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा मीडिया कितना आजाद है। आपको याद है, आज से कई महीनों पहले, लगभग एक साल पहले, मैंने आपके सामने यह शो किया था अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर, और मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया था कि मीडिया किस कदर दबाव का सामना करता है। आप लोगों में से जो लोग मेरे उस कार्यक्रम को भूल गए हो, आइए एक बार फिर उसकी एक झलक देखते हैं। सबसे पहले आपका ध्यान मैं खींचना चाहूंगा इस शख्स की तरफ। इसका नाम है एबी। एबी वो पॉइंट पर्सन है जो लगातार संपादकों से और ब्यूरो चीफ्स के साथ कांटेक्ट में रहता है। जब भी किसी न्यूज चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खबर चलती है, या जब भी कोई पत्रकार अपने शो में या अपनी रिपोर्ट में बीजेपी के नेताओं से, सरकार से तीखे सवाल करता है, ये आदमी संपादकों से सीधे बात करता है और कहता है कि किस तरह से ये खबर बीजेपी के खिलाफ है। दबाव बनाया जाता है और यह दबाव कई लेवल्स पे होता है। दबाव इस तरह से बनाया जाता है कि पहले तो कहा जाता है कि इस खबर को ही हटा लिया जाए। यही नहीं, उस रिपोर्टर को या उस एंकर को लेके भी बाकायदा प्रेशर क्रिएट किया जाता है, और जब न्यूज चैनल उनकी बात नहीं मानता है तो न्यूज चैनल को एक खास तोहफा दे दिया जाता है, और वो तोहफा है बॉयकॉट का। जी हां, न्यूज चैनल को पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया जाता है। और मैं आपको दो चैनल्स की मिसाल देना चाहूंगा, चैनल जिसका नाम ए है और चैनल जिसका नाम एन है। चैनल ए को पिछले 3 सालों में 2 बार बॉयकॉट किया गया है। बॉयकॉट के क्या नुकसान है मैं आपको बताऊंगा। और चैनल एन को बीजेपी ने हमेशा के लिए बॉयकॉट कर दिया है। अब आप सोचिए, एक चैनल, एक न्यूज चैनल जिस पर सत्तारूढ़ बीजेपी के नेता आना बंद कर दें, उसे कितना बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि हैं तो हम खबरिया चैनल, और जब खबरिया चैनल पर रूलिंग पार्टी के नेता आना बंद कर दें तो खबर तो अधूरी रह जाएगी ना। इस ब्लैकमेल के मायने आप समझिए। और चैनल से संपर्क का माध्यम या न्यूज़पेपर से संपर्क का माध्यम और भी होते हैं। सरकार में 2 मंत्री हैं, 2 वर्ष मंत्री, एक का नाम है पी और दूसरे का नाम है जे। पी और जे अलग अलग लेवल से संपर्क बनाते हैं अखबारों से, न्यूज चैनल से, और कोई भी ऐसी खबर जो कि सरकार के खिलाफ होती है वो ना जाने पाए, वो ये बात तय करते हैं। समानांतर स्तर पर एक और खतरनाक खेल होता है। एडवर्टाइजर्स पर, यानी कि विज्ञापन देने वाली कंपनियों पर प्रेशर डाला जाता है। एक बाबा जी हैं, उन्हें जानते होंगे आप। उन बाबा जी के जरिए उनके तमाम एड्स न्यूज चैनल्स पर आना बंद हो जाते हैं, यानी कि आपकी जो लाइफलाइन है, आपकी कमजोर नब्ज है, उस पर हमला किया जाए जिससे आप काम ही ना कर सकें। तो जब चैनल का बॉयकॉट हो जाता है और जब चैनल को इसका नुकसान होने लगता है इन अलग अलग लेवल्स पर, तब ये संपादक एक बार फिर उस पॉइंट पर्सन यानी कि ए बी से बात करते हैं। लंबी बातचीत होती है और ये भरोसा दिया जाता है कि इस तरह की घटना फिर नहीं होगी, और तब जाके वो बॉयकॉट खत्म होता है। मगर मैं आपको बता दूं कि इस सरकार में, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, कुछ पत्रकारों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। मिसाल नंबर एक, करण थापर। करण थापर अपनी किताब द डेविल्स एडवोकेट में बता चुके हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का हवाला दिया था कि किस तरह से सरकार के अंदर एक पूरी सोच है जो उनके खिलाफ है। संबित पात्रा ने उन्हें यह बात बताई थी, और आज तक करण थापर किसी न्यूज चैनल के साथ काम नहीं कर रहे हैं। 3 और पत्रकारों के नाम पर गौर कीजिए। बॉबी घोष, हिंदुस्तान टाइम्स, जो कि उनके लिए हेट क्राइम ट्रैकर कर रहे थे,
उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। हरीश खरे ट्रिब्यून के लिए काम कर रहे थे, ट्रिब्यून में उन्होंने आधार के खिलाफ स्टोरी की, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। पौरंजय गुहा ठाकुरता इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में काम कर रहे थे, उन्हें भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा जब उन्होंने अडानी के खिलाफ रिपोर्टिंग की थी। और आज मैं आपको अपनी भी कहानी बताना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से एक सवा साल पहले मुझे मेरा चैनल डिबेट्स नहीं करने देता था। मैंने अपने संपादक से पूछा था कि क्या वजह है। काफी मान मनवल के बाद मेरे संपादक ने मुझे बताया कि अभिसार इसलिए क्योंकि बीजेपी की तरफ से सीधा फरमान है कि जब तक अभिसार शर्मा डिबेट्स में आएगा हम अपने किसी प्रवक्ता को नहीं भेजेंगे। और जो लोग सरकार के सामने नहीं झुकते उनके साथ क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको मिसालें बताई इस रिपोर्ट में। इसके अलावा एनडीटीवी के डॉक्टर प्रणॉय रॉय, उनकी पत्नी राधिका रॉय आज से कुछ दिनों पहले नायरोबी जा रहे थे, उन्हें एयरपोर्ट में रोका गया और नहीं जाने दिया गया। क्विंट पर कुछ दिनों पहले इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। आप में से कई लोग कह सकते हैं कि हो सकता है ये लोग गुनाहगार हों इसलिए इन पर इस तरह की दबिश, इस तरह का दबाव डाला जा रहा हो, मान लिया। मगर मेरा सवाल कुछ और है आपसे, ऐसा क्यों है कि सरकार इस तरह की कार्रवाई उन्हीं चैनल्स पर, उन्हीं मीडिया हाउसेस पर करती है जो इनसे तीखे सवाल करते हैं? बताइए, ऐसी क्या वजह है कि उन्हीं पत्रकारों को टारगेट किया जाता है जो इस सरकार से सवाल करते हैं? मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, न सिर्फ मीडिया में डर है बल्कि आम इंसान को भी डराने की कोशिश की जा रही है। नतीजा यह कि सुपारी पत्रकारों की एक पूरी फौज सामने उभर कर आ गई है। तो जैसे कि मैंने बताया ना कि एक तरफ क्विंट और एनडीटीवी को टारगेट किया जाता है, दूसरी तरफ आपको याद होगा कि एक चैनल जो कि इस सरकार का पिछलग्गू है उसका संपादक तिहाड़ जेल में वक्त बिता चुका है, कारावास में वक्त बिता चुका है। ये वो शख्स है जो पकड़ा गया था कैमरे पर रिश्वत की मांग करते हुए। इसके चैनल पर कभी कोई दबाव नहीं है। इसके अलावा एक और पत्रकार थे एस, ये सज्जन एक आर्म्स डीलर के साथ करीब 500 मिनट लंबी बातचीत करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इससे पूछताछ करना चाहता है मगर सरकार की तरफ से दबाव आता है कि नहीं, इनसे पूछताछ आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सज्जन इस सरकार के खैरख्वाह हैं, इस सरकार के पिछलग्गू हैं। यानी कि अगर आपको मुश्किल से बचना हो, किसी भी तरह की दिक्कत से बचना हो, तो इस सरकार के चाटुकार बन जाइए। या तो चाटुकार बन जाइए, जैसा कि मैंने कहा, सुपारी पत्रकार बन जाइए। और ये सुपारी पत्रकार क्या कर रहे हैं आइए देखते हैं। नंबर एक, अन्य पत्रकारों को टारगेट करना, डिजाइनर पत्रकार, अफजल प्रेमी गैंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना। नंबर दो, दंगा भड़काना, ऐसे ऐसे कार्यक्रम करना दोस्तों जिसके जरिए समाज में अराजकता फैले। ऐसे कई शोज हो चुके हैं बड़े बड़े चैनल्स पर, सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल्स पर, जहां के एंकर्स ने झूठ बोला बुलंदशहर में हो रहे हालात को लेकर, कासगंज के हालात को लेकर, और लगातार हिंदू मुस्लिम कार्यक्रम करके इन्होंने समाज में वैमनस्य, नफरत फैलाने की कोशिश की। नंबर तीन, सिर्फ विपक्ष से सवाल करना। नतीजा यह हुआ दोस्तों कि विपक्ष नहीं अब इन चैनल्स को बॉयकॉट कर दिया है। आपको याद होगा कि अनुराग कश्यप, जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक, ने अब से कुछ दिनों पहले ट्विटर को अलविदा कह दिया। क्यों? क्योंकि इनकी मां को भद्दे भद्दे फोन कॉल्स आ रहे थे, क्योंकि इनकी बेटी को बलात्कार की धमकियां मिल रही थी, इसलिए क्योंकि अनुराग कश्यप इस सरकार के आलोचक हैं। इस तरह से डर का माहौल बनाया जा रहा है। किरण मजुमदार शॉ बिजनेस वुमन है, ताकतवर बिजनेस वुमन है, इन्हें सरकार की तरफ से एक बड़ा ऑफिशियल कॉल करके कहता है कि आप इनकम टैक्स विभाग के बारे में प्रतिक्रिया देना बंद करें। आप वीजी सिद्धार्थ जो कि कैफे कॉफी डे के संस्थापक थे, उनके बारे में कहना बंद करें, वरना जी हां समझ जाइए। यही हो रहा आज की तारीख में दोस्तों। इसीलिए आज इस कार्यक्रम के जरिए मैंने आपसे अपील की कि हमें दीजिए डर से आजादी, खासकर मीडिया को दीजिए डर से आजादी, क्योंकि मीडिया का काम है हमें डर से दूर भगाना।
हकीकत क्या है दोस्तों, वो बीबीसी की इस फुटेज से सार्वजनिक हो रही है, सामने उभर कर आ रही है, इस पूरे मामले से सामने उभर कर आ रही है जो कि कश्मीर के सौरा में हुआ। आप में से कई लोग मुझसे इत्तेफाक ना रखें, मगर मैं सिर्फ एक मुद्दा उठा रहा हूं दोस्तों, और वो ये कि जिस संस्था का काम है लोगों से डर भगाना, सरकार से सवाल करना, आज वही सरकार के सामने नतमस्तक है, आज वही विपक्ष पर हमला बोल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, मीडिया किस काम का, जवाबदेही किस काम की? और यही बोल क्लब आजाद हैं तेरे का मर्म भी है, यही हमारा फलसफा भी है। आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, हमें लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक के चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। Thank you.